हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल से करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल से जुड़े हैं, पहली बार दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं चैनल पर जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा, ट्रैवल, रॉक, लिटरेचर वगैरह डालता रहता हूं, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल होता है। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जरूर जाइए। साथ ही साथ जो बेल का बटन जरूर क्लिक करिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई वीडियो लूंगा सीधे आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। नोटिफिकेशन अपडेट रहता है तो आप कहीं भी रहेंगे, जब कभी यूट्यूब खोलेंगे तो मेरी वीडियो सीधे आप तक पहुंचेगा और कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे जो अभी लेटेस्ट अपडेट मिला है वो मैं आप लोग के साथ में शेयर करना चाहता हूं। काफी सारे लोग ऐसे थे जो दुबई जाना चाहते थे, दुबई घूमना चाहते थे और दुबई ने फिलहाल 2 महीने से 3 महीने से अपनी फ्लाइटें बंद कर रखी थी और इंडिया से लोग दुबई जा नहीं पा रहे थे। तो अभी जो अनाउंसमेंट हुआ है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन यह है कि 30 अगस्त से दुबई की जो फ्लाइटें हैं वो कंटिन्यू हो जाएंगी और वीज़ा आपको मिलना चालू हो गया। अगर आप चाहो तो वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हो, किसी भी एजेंट के ज़रिए आप यूएई का वीज़ा ले सकते हो और दुबई आप घूमने जा सकते हो। तो दुबई ने अपना वीज़ा अप्लीकेशन चालू कर दिया, दुबई का वीज़ा आप ले सकते हो, दुबई ट्रेवल कर सकते हो। कंडीशन क्या क्या है, कुछ कंडीशन दे रखा है दुबई, अगर दुबई आप जा रहे हो तो कुछ कंडीशन है, कंडीशन क्या क्या है वो सारी कंडीशन मैं आपके सबको। शर्त यह है, अगर आप दुबई जा रहे हैं तो आप फुल वैक्सीन आपको लगा होना चाहिए, आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। और जब भी आप दुबई जा रहे हैं तो आपका RT-PCR टेस्ट जो है वो रैपिड RT-PCR टेस्ट आपका होना चाहिए और आप दुबई जा सकते हो। मतलब जो वैक्सीनेट हैं, जिन्होंने वैक्सीन लगा रखा है वही दुबई जा सकते हो। और कौन सी वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन। अगर आपने कोवैक्सीन लगाया है तो दुबई आप नहीं जा सकते हो। जो WHO से मान्यता प्राप्त वैक्सीन है, जैसे कि आपका कोविशील्ड है, इसको ही लगा कर ही आप दुबई जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप दुबई जाना चाहते हैं, दुबई की फ्लाइटें हैं वो रिज्यूम हो जाएंगी 30 अगस्त से और आप दुबई जा सकते हो दुबई का वीज़ा लेके, लेकिन आपका RT-PCR टेस्ट लगेगा। साथ ही साथ आपकी कोविशील्ड की वैक्सीन अगर आपने लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा जब आप दुबई जाते हो। वैक्सीन लग चुका है और आपको कोविशील्ड वैक्सीन लग चुका है और आप संयुक्त अरब अमीरात जाना चाहते हैं तो आप RT-PCR टेस्ट करा लें जाने से पहले। और अगर आपका वैक्सीन लग चुका है और आप दुबई, आप यूएई का वीज़ा अप्लीकेशन कर सकते हैं और यूएई घूम सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया न्यूज़ है और गुड न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। अगर आप हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो फेसबुक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज पर्सनली मुझे करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल ये है visaguide0@gmail.com। तो फ्रेंड्स, और भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगा, तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जैसे कोई अपडेट आता है मैं आप लोग के साथ सबसे पहले शेयर करूँगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।